नंबर सात, नंबर सात का क्योंकि साल जो है वो जवाल पे जा रहा है, साल जवाल पे जा रहा है क्योंकि अभी सितंबर आ गया है, टुमारो आई थिंक डे आफ्टर टुमारो इज सितंबर, तो वो जवाल की तरफ है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चार ही महीने रह गए हैं और आठ नंबर का भी टाइम शुरू है इसके साथ, सेवन एंड एट आई विल डू टुगेदर। मसला यह है कि आठ का जो टाइम जो रूज आना था वो जून में आना था, मगर सात नंबर का साल का टेक ओवर है, सात नंबर हर एक पे हावी होता है, उसकी एक खास क्लासिफिकेशन है मेरे अब्बा की बुक्स में। और क्योंकि मामला यह है कि ये जो है नंबर आठ को ये अभी ऊपर नहीं आने दे रहा, ऐसा लग रहा है कि ऊपर आएगा, यानी कि देर इज़ अ फील इन दी एयर, देर इज़ पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, तो लेकिन एंड टाइम पे आके गिरेगा। ये चीज़ है जो न्यूमरोलॉजी में बता रहा है, अगर पढ़ने वाला है तो एक डिफरेंट स्टोरी है, या माँ बाप की दुआएं हैं तो अनदर स्टोरी, बट अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजिकल कैलेंडर ये अभी प्रॉब्लम में है, सात नंबर का भी और आठ नंबर का भी, दोनों प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। मगर सात नंबर का अच्छी बात यह कि रिश्ते तय हो रहे हैं, अगर शादियों का मामला है रिश्ते तय हो रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी खुशहाली आ रही है, बट कोई फ्रूटफुल, यू कैन कॉल इट फ्रूटफुल नहीं निकल रहा कुछ, कोई ऐसी चीज़ निकल रहा है कि हाँ ठीक है।